वेलकम बैक दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं दर्शन सोनी और अभी आप देख रहे हो दर्शनेक। मौसम नजदीक आ गया है तो ये कॉल हमारा रोजाना और रोजिंदा रहेगा। अभी ऐसा कुछ हुआ है कि यहाँ पर एक नया घर बन रहा है, उनके एक पानी की टंकी उसके अंदर कोबरा गिर गया है सुबह, जिससे आप वहाँ पर वो तैर रहा है और अपने फन भी फैला कर बैठा। देख सकते हो किस तरह से दिख रहा हो, एक कोबरा सांप है, ये स्पेक्टिकल कोबरा है। आप उस पर दो निशान देख सकते हो जिसको हम स्पेक्टिकल कहते हैं। और मेरे दोस्तों ये एक जहरीला सांप है, कोबरा चले फिर इसको करते हैं रेस्क्यू। अभी ये डिफेंस में इसलिए इस तरह से बैठा है, वरना ये बहुत ही कम ऐसा बैठता है। हम रात देख रहे हैं, हमारे पास एक झार नहीं है तो वो झार लेने के लिए एक बार गए। तब तक इसको यहाँ पर बैठा रखते हैं इस तरह से ताकि ये भाग ना जाए। इसे तो किस तरह से वो मेरे हाथों पर मूवमेंट कर रहा है। ये सब लोग जो बोल रहे हो कि वो बीन पर नाचता से कुछ नहीं होता है, जैसे आप बीन ऐसे हिलाते हो तो आपके मूवमेंट के आधार पर हिलता है, पर वो बीन के सहारे नहीं नाचता क्योंकि उसे कान ही नहीं होता तो सुनता ही नहीं है, तो फिर कहाँ से नाचेगा। इसे तो मैं जिस ओर जाऊँगा इस ओर वो मुड़ेगा। जैसे तो मैं इस ओर मुड़ा तो ये इस ओर मुड़ गया, मैं इस ओर मुड़ूंगा तो ये इस ओर मुड़ जाएगा। तो सिर्फ ये अपने सब्जेक्ट पर देखता है और उस पर वार करने के लिए वो घूमता है, ना कि किसी बीन की धुन पर नाचता है। ये सब झूठ बात है। चले थोड़ी देर इसको एक पर इस तरह से बैठे रखते हैं जब तक हमारा झार ना आ जाए, यानी कि हमारा जो छोड़ रहा है और किसे ले रहा है। ये अपनी फन फैला कर बैठा इस तरह से ताकि तुरंत वार कर सके। देख सकते हो, आप सुन सकते हो उसकी आवाज थोड़ा नजदीक आ जाइए। देख सकते हो उसकी आवाज सुन सकते हो शांति से। जब तक मैं यहाँ पर बैठा रहूंगा वो मेरे सामने इस तरह से बैठा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। जब तक मेरी मूवमेंट बनी रहेगी तब तक वो इसी तरह से बैठा रहेगा, क्योंकि सांप जब डिफेंस में आ जाता है तब इसे मुद्रा करता है हमको डराने के लिए कि मेरे से भाग जाओ, मैं बहुत बड़ा हूँ। अपनी फैन फैला कर वो ऐसा बता रहा है, इसे जता रहा है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझसे आप दूर चले जाओ वरना वो खतरा सकता है। ये आपको डिफेंस दे रहा है, यानी कि आपको ये चेतावनी दे रहा है, तभी आपको समझ जाना चाहिए कि इससे दूर रहना, इसे ये इसकी बहुत पास नजदीक मत जाइए, ये इसका एरिया है, इससे नजदीक मत जाइए क्योंकि वो यहाँ तक बात कर सकता है। जैसे तो आप उसकी आवाज आप सुन सकते हो। इसी तरह किस तरह से ये मेरे रूमाल पर इधर जाऊंगा तो इधर मुड़ेगा, इधर जाऊंगा तो इधर मुड़ेगा, मैं नहीं कुछ मूवमेंट करूंगा तो वह ऐसे बैठे रहेगा। देख सकते हो अभी हिल भी नहीं रहा है, देखो अभी जरा। तो वो सिर्फ अपने अब जो हिल डुल करते हैं उस पर ही ध्यान देता है, ना किसी कर किसी भी धुन पर, ऐसे कुछ नहीं होता है। देख सकते हो किस तरह से वो एग्रेसिव हो रहा है। जैसे ही हिल जुलना ज़्यादा हुआ वो वार करने के लिए तुरंत ही तैयार हो गया। देख सकते हो आप किस तरह से वो ओके चार आ गए। चले फिर सेफली कर लिया इसको रेस्क्यू, छोड़ देंगे इसकी नीचे जगह पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मित्र, रेल टाइम पर कम जो लिए ऐसे तो किस तरह से अपनी फोन फैला कर बैठा है। अभी जार खोलना भी खतरे से खाली नहीं है तो सेफली इसको रिलीज करना पड़ेगा।
है। और क्या देख सकते हो किस तरह से वो एग्रेसिव मुद्रा में है। फिर कुछ ले लेता हूँ उसको हटाने के लिए। चलिए देरी हो। देखो वो आ रहा है वार करने के लिए मेरे पास। ऐसे कम ही बनता है कि वो वार करने के लिए सामने से आता है। चलो इस ओर नहीं जाना है, इस ओर जाना है। ओके चलिए इसको तो हमें छोड़ दें। इसकी नजर जगह पर दर्शक मित्र ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, तो प्लीज़ इसको घर पर ट्राई ना करें। मैं हूँ अभी सुरेंद्रनगर जिला, मेरे गाँव का नाम है वर्धमान सिटी और वहीं पर एक हमारा एरिया है लिमड़ी रोड रामेश्वर पार्क। वैसे इसको किया रेस्क्यू, चले भी छोड़ दिया इसको एक जगह पर, वो भी खुश है और हम भी खुश है इसको बचाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे सभी वीडियो को, ढेर सारा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि नहीं आने वाले आप सभी वीडियो देखते हैं। बड़ा बात कीजिए, वंदे मातरम, हरदी मनीषु, आओ जाओ।